देख रहे हैं खटपट न्यूज। रामकुंड इलाके में युवक से मारपीट कर चोट पहुंचाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आजाद चौक पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 3 नाबालिग शामिल हैं। दहशतगर्द आरोपियों का पुलिस ने जुलूस भी निकाला है। पुलिस के सामने सभी आरोपियों की हेकड़ी निकल गई। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार की रात दिशांत यादव अपने छोटे भाई प्रशांत के साथ घर के बाहर बैठा हुआ था। इसी दौरान बलराम और पालू और उसके साथ ही शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे। दिशांत यादव ने ऐसा करने से उनको मना किया, जिसके बाद इसी बात को लेकर आरोपियों ने दिशांत यादव की पिटाई कर दी। और इतना ही नहीं, सड़क के गुंडों ने चाकू से पीठ पर वार कर उसे घायल कर दिया था। रविवार की रात गाली गलौज करने से मना करने पर दिशांत यादव नाम के युवक से मारपीट करने के बाद चाकू मारकर आरोपियों ने जख्मी किया था। इस वारदात की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें आरोपी दिशांत की पिटाई करते नजर आए थे। मामले की भनक पुलिस को लगी। इसके बाद आजाद चौक टीआई रविशंकर तिवारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने 24 घंटे के अंदर ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों का क्षेत्र में जुलूस भी निकाला है। जुलूस के दौरान सभी आरोपी माफी मांगते नजर आए, हाथ जोड़कर दोबारा गलती नहीं करने, क्राइम से दूरी बनाने की मिन्नतें करते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।